वेलकम टू स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग डॉट कॉम। देखिए, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड आप करना चाहें, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में शुरू से अगर आप चाहते हैं आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो शुरुआत कहां से करें और आप टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं जानते तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के हर शब्द का मतलब क्या है। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं, nseindia.com, moneycontrol.com, moneycontrol का ऐप डाउनलोड कर लिया सपोज आपने, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में उस ऐप को आप देखते हैं, ऐसे आपके फोन पे नजर आता है, ये ओपन किया इस तरीके से, ये moneycontrol का ऐप है। अब एक एक टर्म का मतलब क्या, मैं आपको समझा रहा हूं, जब आप ऐप खोल के देखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मार्केट्स है ना, स्टॉक मार्केट के बारे में बात हो रही है। मार्केट को हमने देखा, वहां पे दिख रहा है हमको इंडियन इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या चीज है, इंडेक्स मतलब सूचकांक, सूचना देने वाला अंक। इतना बड़ा स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है एक, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पहले से है, 1875 से, और 1992 में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। बीएसई में 3,500 कंपनीज में डेली ट्रेड होता है, इतनी लिस्टेड कंपनीज है। एनएसई में लगभग 2000 कंपनीज, 1,500 से 2,000 कंपनीज में डेली कारोबार होता है। तो हमको पूरे बाजार का मूड क्या है, मूड मतलब बाइंग का सेंटिमेंट है या सेलिंग का सेंटिमेंट है, कितने शेयर बढ़ रहे हैं, कितने गिर रहे हैं, उसके लिए एक सूचना देने वाले अंक की जरूरत थी। तो उसको बोलते हैं सूचकांक, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेस। तो एक ही इंडेक्स नहीं है, बहुत सारे इंडेक्स है। मेजर इंडेक्स कौन सा है, एनएसई का है निफ्टी 50 जो 50 शेयर का एवरेज है, बीएसई का है सेंसेक्स 30 जो 30 शेयर का एवरेज है। इनकी जरूरत क्यों थी, क्योंकि आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूं कि आपकी कॉलोनी में बरसात हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरे शहर में बरसात हो रही है। हाँ, आपके एरिया में 10 कॉलोनीज में बरसात हो रही है, पर कहीं दूर जाके वहां बरसात नहीं हो रही है। तो हमको ये देखना जरूरी है कि अगर कुछ सामने 50 शेयर मैंने स्क्रीन पे लगा रखे हैं और उनमें गिरावट है, इसका मतलब पूरे बाजार में गिरावट है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो आपको इंडाइसेस की, इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। तो निफ्टी बताता है कि निफ्टी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब अधिकतर शेयर में बाइंग आ रही है, कुछ ही शेयर गिर रहे हैं, इसलिए उनका जो टोटल एवरेज है प्राइस का वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हम कहेंगे बाजार मजबूत हो रहा है, बाजार ग्रीन में है, और बाजार में उछाल है। उछाल वर्ड जो आपने देखा होगा, राइज इन द मार्केट, और गिरावट मतलब सेलिंग ज्यादा आ रही है और लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। किसी ने कोई 200 रुपए में शेयर खरीदा होगा, आज अगर वो 220 240 हो रहा है, लोग माल बेच रहे हैं, शेयर्स को बेच रहे हैं, बेचने से वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो हम कहेंगे कि फॉल इन द मार्केट, मार्केट डाउन है, रेड है। तो तेजी का कलर ग्रीन है और मंदी का कलर रेड है। अब इसमें इंडाइसेस की बात करें तो एक तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस होते हैं जो पूरे बाजार की बात कर रहे हैं। तो पूरे बाजार की बात करेंगे तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, एनएसई के लिए निफ्टी और बीएसई के लिए सेंसेक्स हो गया। अब लार्ज कैप शेयर्स होते हैं, मिड कैप शेयर्स होते हैं, स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं। तो लार्ज कैप के लिए अलग से इंडेक्स बना दिया, तो निफ्टी लार्ज कैप से बना है, सेंसेक्स लार्ज कैप से बना है। मिड कैप के लिए अलग से इंडेक्स बना दिया, मिड कैप 100 या मिड कैप 50, स्मॉल कैप 100 या स्मॉल कैप 50। तो मिड कैप स्मॉल कैप कौन सी कंपनीज को कहा जाता है, छोटी और मझोली कंपनीज। एक बड़ी कंपनी होती है, हम एनालॉजी में समझाते हैं कि बड़ी कंपनी बरगद के पेड़ की तरह है, जो स्थिर हो गई है, वो बिजनेस सेटल हो चुके हैं, उनमें एक तरह का सेचुरेशन भी आ चुका है। तो वो थोड़ा बढ़ते हैं थोड़ा गिरते हैं, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहता है, रिस्क बहुत कम है लेकिन रिटर्न भी कम है। मिड कैप झाड़ियों की तरह है, जो पेड़ से तो छोटे हैं लेकिन पौधे से बड़े हैं, प्लांट से बड़े हैं। तो कैसा होगा, जैसे बुशेस की बात, झाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो उनमें बढ़ने की गुंजाइश भी बाकी है लेकिन उनमें स्टेबिलिटी भी है, वो बीच के बिजनेस है, तो उनमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है, थोड़ा रिटर्न ज्यादा है। स्मॉल कैप छोटे प्लांट्स की तरह है, 100 में से 80 मर जाएंगे, 20 जिंदा रहेंगे, लेकिन जो 20 जिंदा रहेंगे वो सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, रिस्क सबसे ज्यादा है, रिटर्न सबसे ज्यादा है। तो लार्ज कैप का इंडेक्स अलग है, मिड कैप का अलग है, स्मॉल कैप का अलग है, लेकिन उसके बावजूद कुछ और इंडाइसेस बनाए गए, निफ्टी 100, 200, 500। ये क्यों बनाए गए, कि
कभी हमको एक ही इंडेक्स के साथ में पूरे बाजार का जायजा लेना हो कि लार्ज के पलक नहीं देखना है, मिड के पलक नहीं देखना है, स्मॉल के पलक नहीं देखना है, एक साथ पता लग जाए निफ्टी 500 कैसा है तो उसमें लार्ज एंड मिड कैप का मिक्सअप आ गया, तो उससे एक आइडिया लग गया कि बाजार ऐसा चल रहा है। और उसका इस तरह के इंडेक्स को म्यूचुअल फंड बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है अलग अलग, कोई लार्ज कैप स्कीम होती है, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप स्कीम होती है, तो वो अपनी तुलना किसके साथ करके बताएगी, अपने रिलेटेड रिलेवेंट इंडेक्स के साथ में। तो कोई मिड कैप मिड एंड स्मॉल कैप फंड है तो मिड कैप के इंडेक्स के साथ में बेंचमार्क मतलब अपना चार्ट बना के बताएगा कि देखो हमने इससे ज्यादा आउट परफॉर्म किया। कोई लार्ज कैप फंड है तो वो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के साथ में अपना बेंचमार्क सेट करेगा और बताएगा अंडर परफॉर्म किया कि आउट परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये बात हो गई इंडेक्स की। अब ये ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस के बाद फिर क्या आता है, सेक्टोरल इंडाइसेस, अलग अलग सेक्टर है। अब स्टॉक मार्केट है, इसमें कई तरह के बिजनेसेस हैं, कई तरह के सेक्टर हैं, तो सेक्टोरल इंडाइसेस में कौन कौन से सेक्टर हो जाते हैं, ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। सेक्टोरल इंडाइसेस में हम लोग एक अलग से वीडियो कर लेंगे ताकि आपको बताएंगे कि अलग अलग सेक्टर क्या काम करते हैं और सेक्टर में सब सेक्टर भी होते हैं। जैसे आप ऑटो सेक्टर में गए तो ऑटो सेक्टर के दूसरे छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, सब सेक्टर्स होंगे कि कुछ हैवी व्हीकल बना रहे हैं, कुछ लाइट व्हीकल बना रहे हैं, कुछ ऑटो एंसिलरीज बनाते हैं, ऐसे करके। तो जितना आप ये जानकारी लेते जाएंगे उतना ही फिर आपको इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। पूरी दुनिया को एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के साथ जानने में आपके अंदर का जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा, धुंधलापन खत्म हो जाएगा। अब बात हो रही है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हम और देख रहे हैं, यहाँ पे दिखता है टॉप गेनर्स। तो टॉप गेनर्स मतलब आज की तारीख में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा बढ़े, सबसे ज्यादा परसेंटेज में बढ़ रहे हैं। तो गेनर का परसेंटेज कैसे देखा जाता है, कोई स्टॉक कहाँ क्लोज हुआ है वो प्रीवियस क्लोज कहलाता है। समझो कोई 200 रुपए पे बंद हुआ है, कल का प्रीवियस क्लोज 200 है, और आज अगर ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने का मतलब 200 बंद होके खुला कहां पे, 204 पे, 2% गैप अप खुल गया, लेकिन बढ़ के आज ये 210 खड़ा है 210, तो कितने परसेंट बढ़ा हुआ है, 4 से 10 नहीं गिना जाएगा, प्रीवियस क्लोज से 200 से 210, ये 10 पॉइंट का जो डिफरेंस है परसेंटेज में 5% है, तो पॉइंट चेंज में लिखा जाएगा 10 पॉइंट और परसेंटेज चेंज में लिखा जाएगा 5%, इस तरीके से ये बताया जाएगा। तो गेनर्स में डेली गेनर्स, अगर टॉप गेनर्स टॉप लूजर नॉर्मली लिखोगे तो डेली गेनर्स अब तक के बताए जाएंगे। अगर ये 9:15 पे बाजार खुला है एक्चुअल तो 9:30 पे देखेंगे तो उस समय तक के जो गेनर है अभी कितना पॉइंट परसेंटेज चेंज हुआ है वो सब बता रहे हैं। 2 बजे देख रहे हैं तो 2 बजे तक का, बाजार बंद हो गया 3:30 पे तो तब तक का पूरे दिन का क्लोज आपको बता देंगे। तो उसमें एक वर्ड होगा LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो अधिकतर बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो मार्केट के चलने में अपडेट होती रहती है, तो अभी जो रेट बताया जा रहा है वो उसी वक्त अपडेट हुआ है 2-2 मिनट के अंदर। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब अभी जो प्राइस चल रही है। और कभी कभी हम आपसे बोलते हैं कि इसमें हाई पे बाइंग लगा दो, लो पे सेलिंग लगा दो, तो हाई कौन सा, तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं सर कौन सा मंथली या साल का हाई, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि 5 मिनट हुआ है बाजार को, 2 मिनट हुआ है तब भी एक हाई एक लो आज का बन चुका, स्टॉक वहां पे खड़ा नहीं है। अगर समझो कोई चीज 204 पे खुली है तो 204 पे खुली और खड़ी थोड़ी होगी, वो क्या कर रही है, 204 पे खुलने के बाद में वो नीचे गई, 203 तक गई तो 203 का लो बना दिया, 4 पे ओपन हुई थी, कल का क्लोज 200-200 का था, अभी 207 का हाई बना के 206 पे खड़ी है, LTP 206 है लेकिन हाई क्या बना दिया है 207 का। तो हम आपसे क्या कहेंगे कि अभी आप उसको ये सोच के खरीद लो कि चलो शाम 207 पे हाई है 206 पे ले लेते हैं, पर क्या संभावना हो सकती है यहाँ से लुढ़क के नीचे चला गया तो क्या करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि 1 रुपया महंगा खरीदें लेकिन क्लेरिटी पे खरीदें, इसलिए हम कह रहे हैं स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर लगाओ। तो स्टॉप लॉस एक ऑर्डर होता है जो लॉस को कंट्रोल करता है, लेकिन स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर दूसरी चीज है। एक तो हम नॉर्मली आपसे कहेंगे कि आपने 205 में या 207 में कोई स्टॉक खरीदा है
तो उसमें ₹2 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो, तो 205 पे आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया जो ये कहेगा कि ₹2 से ज्यादा मेरा नुकसान नहीं होगा। अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं तो मुझे ₹200 का नुकसान होगा, या मैंने नुकसान कंट्रोल कर दिया, वो स्टॉप लॉस ऑर्डर है, नुकसान रोको आदेश। लेकिन जब हम बोलते हैं स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर, तब हम ये स्टॉप लॉस नुकसान रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं। स्टॉप लॉस बाइंग के वक्त हम क्या कह रहे हैं कि इस हाई पे एक कंडीशनल ऑर्डर लगा दें कि हाई ब्रेक होगा तो ही मेरी बाइंग हो। तो उसमें हम ऑर्डर टाइप स्टॉप लॉस का यूज करते हैं और दो दो प्राइस हमको डालनी पड़ती है, इसलिए उसको स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर कहते हैं, पर उसमें बाइंग होगी, स्टॉप लॉस आपको बाद में लगाना पड़ेगा। तो 206 खड़ा है, 206 और 207 का हाई है, तो हम कह रहे हैं 207 हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर लगा दीजिए आप। तो इसका मतलब यह है ऑर्डर टाइप में गए। नॉर्मल ऑर्डर टाइप में आपको एक ही प्राइस डालनी होती थी कि मुझे ये 206 में खरीदना है या मार्केट प्राइस पे खरीदना है, तो उस पे खरीदी हो जाती। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हाई पे बाइंग लगानी है, तो ट्रिगर में हमने हाई का प्राइस डाला और बाइंग प्राइस में हाई से थोड़ी सी ऊपर की गैप डाली, तो 207 का ट्रिगर और 207.2 का बाइंग प्राइस ऐसे करके ऑर्डर डालेंगे। तो जब 207 होगा आपकी अपने आप बाइंग हो जाएगी, और अगर उसने हाई नहीं तोड़ा और यहीं से नीचे लुढ़क के चला जाता है तो आप बच जाते हैं। अभी जैसे ये रिजल्ट का दिन देखा था 18 दिसंबर का, तो उस दिन क्या था कि 100-125 माइनस खुला बाजार। अब किसी ने ये सोचा कि यार इतना नीचे खुल गई है, 300 की चीज़ 290 मिल रही है, उठा के ले ली उन्होंने। अब ले ली तो वो 275 चला गया और बेचने का मौका भी नहीं मिला, स्टॉप लॉस लगाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि जब इतनी बड़ी गिरावट होती है तो कई बार स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के बाद भी काम नहीं करते हैं, उसके ऊपर से कूद के प्राइस चली जाती है। मतलब समझ लो कि हेलमेट लगाने के बाद भी कुछ लोग मर जाते हैं। तो वहां स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर जो लगाते हैं हाई के ऊपर, तो उसमें क्या किया कि 100 पॉइंट माइनस था, आपने हाई के ऊपर बाइंग ऑर्डर लगाया, तो इसने आपको बचाया कैसे कि हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, बाजार तो लुढ़कना चालू हो गया, तो स्टॉक ने अपना हाई ब्रेक करने के बजाय लो ब्रेक किया, तो आपकी बाइंग एक्टिवेट नहीं हुई, इसलिए आपका लॉस होने से आप बच गए। और उसके साथ में आपने क्या किया, 100 पॉइंट नीचे था तो बेचने की हिम्मत सामने से तो नहीं हो रही थी, पर ऐसा भी लग रहा था क्या पता यहाँ से भी और गिर जाए बाजार, तो लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा रखी थी। तो जैसे ही सेलिंग एक्टिवेट हुई, एक के बाद एक शेयर गिरना शुरू हुए, आपकी शॉर्ट सेलिंग एक्टिवेट होगी। अब शॉर्ट सेलिंग किसको कहते हैं, नॉर्मली शेयर को खरीद के 200 पे खरीदा, 205 में बेचा, ये नॉर्मल ट्रेडिंग बुलिश ट्रेडिंग है कि 200 में खरीदा, 205 में बेचा, ₹5 कमा लिया। लेकिन यहाँ उल्टा काम भी होता है कि आपके पास नहीं है, आप उसको 200 में बेच दो पहले से और आपको लग रहा है गिरावट होने वाली है, तो आप उसको 195 में खरीदो तो ₹5 कमाया, 190 में खरीदा तो ₹10 कमाया, 100 शेयर थे तो ₹1000 का फायदा आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस बाइंग और स्टॉप लॉस सेलिंग ऑर्डर दोनों लगा के रख सकते हैं, है ना। ये चीज हम कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। तो टॉप गेनर टॉप लूजर इंट्राडे भी होते हैं, उसी दिन का गेनर उसी दिन का लूजर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गेनर है वो मजबूती से अगर खड़े रहे हाई के पास तो फिर हाई तोड़ के ऊपर बढ़ने की ताकत रखते हैं, और जो लूजर है अगर वो लुढ़क के लो पे खड़े हैं और लो के करीब ही खड़े हैं तो फिर से लो तोड़ के और लुढ़कने की कमजोरी रखते हैं। तो आपको बढ़े हुए को खरीदना और घटे हुए को बेचना होता है, बाकी डिटेल क्या होगी वो हम वीडियोज में आपको बताते हैं। तो गेनर लूजर, फिर ऐसे वीकली गेनर लूजर आप सर्च करने जाएंगे तो हफ्ते भर के टॉप गेनर लूजर कौन है पता लग जाएगा, मंथली गेनर लूजर पता करने जाएंगे तो महीने के टॉप गेनर लूजर कौन है पता लग जाएगा, ईयरली गेनर लूजर 52 हफ्ते मतलब एक साल, तो ईयरली गेनर लूजर पता करने जाएंगे तो वो भी आपको लिस्ट पूरी पता लग जाएगी। आईटी और टेक्नोलॉजी ने काम को बहुत आसान बना दिया है। एक जमाना ऐसा था कि लोग चश्मा लग जाता था मार्केट की स्टडी करने वालों को, अच्छा मोटा वाला, लेकिन और घंटों लगते थे जरा सी चीज पता करने में। आज कंप्यूटर की वजह से वो सारा डाटा प्रोसेस होके यूं चुटकियों में आपको मिल जाता है। तो काम करने का सही समय अभी आया है, और जब से ये 4G स्पीड और ये स्मार्टफोन आपके हाथों में आ गए हैं, गाँव गाँव तक पहुँच गए, नेटवर्क पहुँच गया है, तो जिंदगी बदलने की शुरुआत अभी हुई है। जस्ट इस वक्त आपको वो सोच नहीं रखनी है कि मैं 5 साल से सोच रहा हूँ, मैं कर नहीं पाया 10 साल से। अभी तो अगर आपने शुरुआत की तो सारे साधन तैयार पड़े हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। अगले वीडियो में हम आगे टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। www.stockoptiontraining.com कॉल कीजिए 8381021346 7066045880।
moneyguru9@gmail.com मेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए, हम लोग उस पर हमेशा नए वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।